आफताब पूनावाला के चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब धीरे धीरे श्रद्धा वालकर की आखिरी रात का भी खुलासा हुआ है। आपको इससे पहले बताएं कि 18 मई की रात क्या हुआ था, सबसे पहले जान लीजिए कि वारदात के ठीक एक दिन पहले श्रद्धा वालकर के साथ क्या हुआ था। दरअसल श्रद्धा वालकर ने एक डेटिंग ऐप के जरिए हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले एक लड़के के साथ करीबी बढ़ाई और उसके बाद 17 मई 2022 को श्रद्धा छतरपुर से निकलकर गुरुग्राम जा रही थी। वो उस दिन सुबह घर से जल्दी निकल गई थी। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा पहली बार अपने उस नए दोस्त से मिलने के लिए गुरुग्राम गई थी। श्रद्धा गुरुग्राम जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी। आफताब पूनावाला परेशान हो रहा था, आखिर श्रद्धा कहाँ है। वो मोबाइल फोन से भी संपर्क नहीं कर रही थी, लिहाजा आफताब रात भर परेशान रहा। मगर दूसरे दिन यानी 18 मई यानी कि वारदात वाले दिन सुबह तकरीबन 11 बजे श्रद्धा वापस अपने छतरपुर वाले फ्लैट में दाखिल होती है। आफताब ने श्रद्धा वालकर से सवाल पूछे कि आखिर वो उस रात तक कहाँ थी, तो वहीं श्रद्धा वालकर ने उसे पलट करके जवाब दिया, जिसके बाद आफताब पूनावाला ने श्रद्धा की पिटाई भी कर डाली। मगर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और उसके बाद आफताब पूनावाला ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करवाया। वहीं दूसरी ओर खाना मंगवाने के दौरान आफताब और श्रद्धा की मुंबई से दिल्ली सामान ले जाने के लिए बातचीत शुरू हो गई, जिसके बाद आफताब पूनावाला ने कहा कि आखिर मैं सारे काम क्यों करूं। वहीं दूसरी ओर आफताब ने एक बार फिर से श्रद्धा वालकर के गुरुग्राम जाने के ऊपर सवाल उठा दिया, जिसके बाद दोनों में एक बार फिर से झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की जान ले ली।